एमआई की टीम आईपीएल 2022 के सीजन में क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन अब एमआई की टीम आईपीएल 2023 के सीजन से पहले जो मिनी ऑक्शन होने वाला है उसकी तैयारियों में पूरी तरीके से लग चुकी है। और एमआई की टीम की ओर से कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ियों के नाम निकल कर सामने आए हैं जिन्हें एमआई की टीम हमें आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले रिलीज करते हुए अपनी टीम से दिखने वाली है। तो सारे खिलाड़ियों के नाम मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े फैन तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खास कर आईपीएल से जुड़े हमारे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले खिलाड़ी की जिसे एमआई की टीम हमें अपनी टीम से रिलीज करते हुए दिखने वाली है। उस खिलाड़ी का नाम है ईशान किशन जी। ईशान किशन को एमआई की टीम ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में काफी एक्सपेंसिव प्राइस में उस मेगा ऑक्शन में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया था। और ईशान किशन को जिन उम्मीदों के साथ में एमआई की टीम ने खरीदा था उस पर खरा नहीं उतरे ईशान किशन। मात्र ईशान किशन ने लास्ट के मैचों में एमआई की टीम के लिए रन बनाए और ईशान किशन को हमें एमआई की टीम रिलीज करते हुए अपनी टीम से नजर आ सकती है। लेकिन एमआई की टीम हमें जरूर से ईशान किशन को दोबारा से आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में से खरीद कर अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए दिखने वाले हैं। जी हमें डेफिनेटली ईशान किशन एमआई की टीम की ओर से आईपीएल 2023 के सीजन में खेलते हुए दिख सकते हैं। लेकिन जो ईशान किशन का प्राइस टैग वो हमें कम होते हुए दिख सकता है आईपीएल 2023 के सीजन में। एमआई की टीम ईशान किशन को दोबारा से ट्राई करने वाली है कम पैसों में खरीदने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे खिलाड़ी की। उस खिलाड़ी का नाम है कैरन पोलार्ड। जी हाँ, कैरन पोलार्ड भी अब हमें एमआई की टीम की ओर से रिलीज होते हुए देख सकते हैं क्योंकि कैरन पोलार्ड काफी सालों से एमआई की टीम का हिस्सा है और आईपीएल 2022 का सीजन काफी खराब रहा था कैरन पोलार्ड के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कैरन पोलार्ड को एमआई की टीम रिलीज नहीं करने वाली है। हमें कैरन पोलार्ड की जगह एमआई की टीम फैबियन एलन को अपनी टीम से बाहर करते हुए देख सकती है। पोलार्ड हमें आईपीएल 2023 के सीजन में एमआई की टीम की ओर से खेलते हुए दिख सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, एमआई की टीम को कैरन पोलार्ड को रिलीज करना चाहिए या फिर फैबियन एलन को? तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन यहाँ पर ज्यादा चांसेस अभी फैबियन एलन के, फैबियन एलन हमें अब एमआई की टीम की ओर से रिलीज होते हुए नजर आने वाले। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे खिलाड़ी की। उस खिलाड़ी का नाम है टाइमल मिल्स। जी हाँ, टाइमल मिल्स भी हमें अब एमआई की टीम की ओर से रिलीज होते हुए दिखने वाले। और एमआई की टीम हमें काइल जेमिनसन या फिर मार्क वुड किसी एक खिलाड़ी को अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए देख सकते हैं टाइमल मिल्स के बैकअप के तौर पर। तो टाइमल मिल्स हमें रिलीज होते हुए एमआई की टीम की ओर से दिखने वाले। तो इन खिलाड़ियों को हमें रिलीज करते हुए एमआई की टीम दिख सकती है आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले। वैसे आपको क्या लगता है, एमआई की टीम को कौन से खिलाड़ियों को रिटर्न करना चाहिए और कौन से खिलाड़ियों को अपनी टीम से बाहर कर देना चाहिए? तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।